नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ऊर्जा। आइए मैं आपको इस प्रोग्राम की थीम बता दूं। कभी कभी आपने भी मेरी तरह अनुभव किया होगा कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। मन में एक प्रश्न भी उठता है कि ये जीवन हमारा होते हुए क्या हम इसे अपनी तरह से जी पाते हैं। मन तो हमेशा खुश रहना चाहता है, लेकिन न जाने कहां से अनजाने दुख, भय, निराशाएं हमारे मन को घेर लेते हैं और हम उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। उस समय कुछ भी नहीं सोचता, दुविधाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। निराशाएं मन को घेर लेती हैं और हम सहारा ढूंढने लगते हैं किसी व्यक्ति का या किसी अज्ञात शक्ति का जो हमें एक सही राह दिखा सके। मन में सवाल भी उठता है कि क्या यह संभव नहीं कि हम खुद इतने समर्थ और केपेबल बन जाएं कि अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ सके, हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागे ताकि हमारे दुख और परेशानियां सब दूर हो जाए। क्या यह सचमुच संभव है? हमारे तुम्हारे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए क्या यह पॉसिबल है? यही जानने का लक्ष्य हमारे शो ऊर्जा का। यहाँ हम एक ऐसे मार्गदर्शक से मिलेंगे जिनके पास हमारे सारे प्रश्नों का जवाब है। वे हमें एक सरल और सुखी जीवन बिताने की राह दिखाएंगे। उनकी विशेषता यह है कि वे गृहस्थ हैं और गृहस्थ के जीवन की सारी कठिनाइयों का सामना वे स्वयं कर चुके हैं। वे हैं विपाशना आचार्य पूज्य श्री सत्यनारायण जी गोयंका जी एवं माता जी। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माताजी। गुरुजी, आजकल के वर्तमान काल में सभी स्ट्रेस में जीते हैं, तनावपूर्ण जिंदगी जीते हैं। चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, छोटे बड़े, सभी स्ट्रेस में जीते हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि इन सारी मुश्किलों से बाहर निकलने का कोई हल है? ये सारी मुश्किलें हैं, इनके पीछे एक मुख्य कारण है भय का। आदमी जब भय जगा लेता है तो उसके साथ साथ अंदर तनाव आता है, व्याकुलता आती है, अपनी सुख शांति खो बैठता है। तो हमें समझना ये है कि आखिर ये भय क्यों जागता है, कैसे जागता है और हम कैसे इसे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि भय जागता है, तो क्या इस भय से हमें छुटकारा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। हमारे देश में इतनी बड़ी विद्या है जो भय को जड़ों से निकाल के फेंक देगी। ऊपर ऊपर से छुटकारा पाना एक बात होती है, लेकिन उसकी जड़ें निकलनी चाहिए, भय का स्वभाव निकलना चाहिए, और उसकी विद्या है अपने पास। तो आप जरा विस्तार में बताएंगे गुरुजी? पहले तो कारण समझें भय का क्यों होता है, फिर उसके निवारण की बातें करेंगे। भय के अनेक कारण होते हैं। कभी कोई एक कारण जिसकी वजह से भयभीत हो गया, फिर कोई दूसरा कारण जगह उसकी जगह से भयभीत हो गया। एक व्यक्ति किसी एक बात को लेकर भयभीत है, दूसरा किसी दूसरी बात को लेकर भयभीत है, तो अनेक कारण हैं। पर उनमें से एक प्रमुख कारण ये है कि हर मनुष्य में एक असुरक्षा की भावना होती है। क्या हो जाएगा मुझे, कल क्या हो जाएगा, जो मेरे हैं उनको क्या हो जाएगा। कोई रोगी हो तो उसके मन में भय शुरू हुआ, ये रोग कहीं बढ़ गया और मैं कहीं अपंग हो गया तो मेरा क्या होगा। अरे ये जो मुझ पर आश्रित हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, मैं गुजर गया तो इनका क्या होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के भय, उससे आदमी व्याकुल रहता है। कभी भय, जैसे एक विद्यार्थी है, उसके मन में भय जागा कि परीक्षा आ रही है और मैं कहीं फेल हो गया तो, और पास भी हुआ और कम नंबर मिले तो, अच्छा ज्यादा नंबर में मिल गए
तो मैं चाहता हूँ उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगी नहीं तो भय भय बड़ा नर्वस हो जाता है। यूं अनेक कारण होते हैं भय के, तो कारणों को हम अलग 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 डिफाइन करने जाएं तो गिनती नहीं इतने प्रकार के। कभी कभी एक हीन भावना होती है आदमी में, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे में एक क्षमता है कि नहीं, मेरी ऐसी योग्यता है कि नहीं, मैं एक आदर्श पिता हूँ कि नहीं, मैं एक आदर्श माता हूँ कि नहीं, आदर्श पुत्र हूँ कि नहीं, आदर्श पुत्री हूँ कि नहीं। अभी से भय शुरू हो गया। और कभी कभी तो भय बिना ही किसी आधार के, निराधार, बिना ही किसी कारण के भय खड़ा हो जाता है और वो इस कदर बढ़ता है कि सिर पर सवार हो जाता है और आदमी एकदम व्याकुल हो उठता है। लेकिन गुरुजी, ऐसे भय तो बहुत जायज़ हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर एक स्टूडेंट स्कूल में एग्जाम देने जा रहा है और उसे फेल होने का भय है, तो गुरुजी अगर उसे ये भय ही ना हो कि मैं फेल नहीं होऊंगा, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो गई, तो क्या ये जायज़ है? भय क्यों हो, उसके मन में ये चिंतन चलना चाहिए कि मुझे पास होना है और अच्छे नंबरों से पास होना है, इसकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। और घर में माँ बाप भी डराते हैं बच्चे को, फेल हो जाएगा तो तेरे नंबर कम आएंगे तो तुझे ये दंड मिलेगा, और बेचारे को भयभीत बनाते हैं। चाहिए ये कि उसके अंदर क्षमता है उसको जगाएं, उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग पैदा करें, पॉजिटिव विचार पैदा करें, वो भी चिंतन करें कि ये काम है, इस तरह के प्रश्न आएंगे, मैं ऐसा जवाब दूंगा, मैं नर्वस नहीं होने वाला, मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे ही। तो भय की ज़रूरत नहीं है कि काम भय से किया जाए। जब भय आता है तो आदमी का मन विचलित हो जाता है, बैलेंस खो देता है। तो जिस आदमी का बैलेंस खो गया मन का, वो कैसे ठीक से काम करेगा, कर नहीं पाएगा। गुरुजी, आपने तो अत्यंत सरल ढंग से हमें भय के कारण समझाए। दर्शकों, जैसे कि अभी गुरुजी ने हमें समझाया कि भय से मुक्ति पाने के लिए उसके रूपों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई बीमारी हो तो उसका कारण जानने के लिए उसके लक्षणों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही हम भय को जांच रहे हैं। ये बेबुनियाद भय क्या होता है, इस बारे में हम पूजनीय गुरुजी से जानेंगे, लेकिन एक विराम के बाद। देखते रहिए ऊर्जा। दर्शकों, जैसे कि अभी गुरुजी ने हमें समझाया कि भय के कारण जानने के लिए हमें भय के मूल रूपों को जानने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करने के लिए उसके लक्षणों को जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो ये लक्षण जाने कि इन इन कारणों से भय हो सकता है। अब कभी बिना ही किसी कारण के भय हुआ, निराधार, तो उससे भी तो बचना है। निराधार भय हुआ तो उसके बाहर कैसे निकले? अंधेरे में हमने कोई रस्सी पड़ी देखी, ओ सांप है, भय हो गया, अरे टॉर्च लेके देख लो, सांप नहीं है, रस्सी है। कहीं अपनी छाया देखी, अरे भूत है, अरे टॉर्च लेके देख लो, काहे का भूत है। ऐसे ही निराधार न जाने कितने प्रकार के भय पैदा होते हैं। अपने यहाँ बच्चों की एक कहानी है निराधार भय की, कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं फिर भी भय। तो थोड़े में उसे कह दूं क्योंकि प्रासंगिक है, इससे समझ रखने वाली है, सुनी होगी, कोई नई बात नहीं है। एक खरगोश, उसकी नजर जाती है ऊपर आसमान पर, अरे आसमान कैसे टिका है, कोई खंभा नहीं, ये तो कभी गिर पड़ेगा, और ये आसमान गिर पड़ेगा तो ये धरती पड़ जाएगी, और धरती पड़ जाएगी तो हमारा क्या होगा, हम तो उसमें गड्ढे में चले जाएंगे। बस घबराए, न जाने कब ये आसमान टूट पड़ेगा, न जाने कब आसमान टूट पड़ेगा। इसी चिंता को लिए हुए एक पेड़ के नीचे दोपहर के समय ऊंग रहा था, लेकिन बैठा हुआ, अचानक एक आवाज आई, थप, घबराया, टूट पड़ा ना, देखो आसमान टूट पड़ा, कोई धरती पटने वाली है, भाग यहां से, अपनी जान बचानी है तो भागता है। और रास्ते में जो मिलता उसको कहता है, देखो आसमान टूट पड़ा है, धरती फटने वाली है, हम सब के सब उसमें धंस जाएंगे, इस जंगल के बाहर निकलो, बाहर निकलेंगे तो बचाव होगा, नहीं बचाव नहीं होगा
उसके साथ और भी हो लिए, एक हुआ, दो हुआ, सो हुआ, हजार हुए, जंगल के लोग, सारे जंगल के जितने जानवर थे भिन्न भिन्न, सब उसके पीछे हो लिए। जंगल के राजा शेर ने देखा, अरे क्या हो रहा है, सारे कहाँ भागे जा रहे हैं, अरे क्या हुआ? महाराज आसमान टूट पड़ा और धरती फटने वाली है, इसलिए अपने को बचाने के लिए हम भाग रहे हैं। ये आसमान कहाँ टूटा, चलो मुझे दिखाओ। खरगोश को साथ लेकर गया वहां पर और देखता है वो तो बेल का पेड़ था और उसमें बड़ा सा पका हुआ बेल का फल, वो गिरा और उसकी आवाज थी धप। तो इस तरह की बेबुनियादी, इतनी बेबुनियादी भय के कारण हो जाते हैं, हमें उनसे बाहर निकलना चाहिए। भय हमें कभी सुख से जीने नहीं देगा, शांति से जीने नहीं देगा, उसका निवारण करना चाहिए। गुरु जी आप हमें ये बताएं कि हमें डर फियर से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? जैसे कहा ना बेटी, डर के कई कारण होते हैं, एक तो ऊपरी ऊपरी कारण है, तो उसका निवारण भी ऊपरी ऊपरी होगा। कोई रोगी है, उसका रोग दूर हो गया, उसका भय चला गया, मृत्यु का भय निकल गया उसके मन से। किसी की परीक्षा हो रही है लड़के की और पास हो गया तो उसका भय निकल गया। ये ऊपरी ऊपरी भय के कारण, ऊपरी ऊपरी निवारण, इससे आदमी दुख से मुक्त नहीं होता, भय से मुक्त नहीं होता। भीतर का जो कारण है, जो जड़ों तक है, वो जब तक बाहर नहीं निकले तो वो अपने यहाँ ऐसी विद्या, धर्म का ये काम है, धर्म ने एक ऐसी विद्या दी और हमारे देश के महापुरुषों ने विद्या ढूंढ निकाली धर्म के आधार पर, धर्म क्या कहता है, और तब जाकर के देखा, अरे ये भीतर गहराइयों में, अंतर मन की गहराइयों में स्वभाव बन गया, अनेक जन्मों से बन गया, कोई नया मानी अनेक जन्म, इस जन्म से भी एक स्वभाव बना लिया भय का, भय का। तो बाहर फिर जरा जरा सी बात में भय लगेगा, क्योंकि भीतर का जो स्वभाव वो जड़ों तक है, उसको निकालना धर्म का काम है। आप कहते हैं कि इन सब कारणों का जड़ भीतर से होता है, भीतर ही, तो फिर बाहर के कारण अलग और भीतर के कारण अलग, ऐसा क्यों? भीतर एक स्वभाव होता है, वो अनेक जन्मों से साथ चला आ रहा है। कोई अनेक जन्म को न माने तो न माने, इस जन्म में भी, जन्म से लेकर के हमने एक स्वभाव बनाना शुरू किया भय का, भय का, भय का। वो जो स्वभाव है, जब तक वो नहीं बदलेगा तो बाहर के कभी ये कारण ढूंढेगा, वो कारण ढूंढेगा और भयभीत होता रहेगा। तो हमारे देश में, देश के महापुरुषों ने अंतर्मुखी होकर के भीतर गहराई तक हमारे दुखों का कारण क्या है, वैसे भय का कारण क्या है, भय होता तो दुखी होता है, तो दुख को दूर करने का जो इलाज है, जो तरीका है, वो हमें भीतर जड़ों तक जाकर के मिलेगा। ऊपर ऊपर से हम हजार सुधार लें, एक पेड़ को ऊपर ऊपर से खूब सुधार लिया, जड़ उसकी रोगी है तो पेड़ रोगी रहेगा, पेड़ स्वस्थ नहीं हो सकता। तो ये जो भीतर की बात है वो तो एक ही सबकी है कि भय का स्वभाव है, हर व्यक्ति में एक भय का स्वभाव है, सबका भय का स्वभाव है। अब इस समय भय का ये कारण आया, बाहर से वो कारण आया, ये कारण आया, कारण बाहर बाहर के हजार होंगे, भीतर स्वभाव जो भय का है वो भय पैदा करेगा। जी गुरु जी, दर्शकों अगला हिस्सा जो है वो आप ही के प्रश्नों पर आधारित है, तो कहीं मत जाइएगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊर्जा का ये हिस्सा आप ही के प्रश्नों पर आधारित है, जो प्रश्न हमें दर्शकों से मिलते हैं वो प्रश्न हम गुरुजी से पूछते हैं और गुरुजी उनके जवाब देते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से गुरुजी। गुरुजी पहला प्रश्न पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश से राजेंद्र सिंह जी, जो कि एक बिजनेसमैन है। वो पूछ रहे हैं कि हमारी परंपराओं के अनुसार अनेक मान्यताएं हैं, रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, अशुभ को टालने के लिए कुछ उपाय, कुछ क्रियाएँ बताई गई हैं, जैसे मुहूर्त देखना, कुछ अशुभ दिखे तो काम थोड़ी देर के लिए टाल देना, मंत्रों का, गंडे ताबीजों का उपयोग करना, ऐसे ही भय के नाश के लिए कुछ बातें हैं, क्या इनके उपयोग से हम सुरक्षित नहीं हो सकते? बेटी ये ऊपर ऊपर की सुरक्षा है, अपनी मान्यता है, किसी समाज में ऐसी मान्यता है कि ये दिख गया तो बड़ा अपशगुन हो गया, और किसी दूसरे समाज में वही बात बड़ी शुकन की, बहुत ठीक, आंख फड़कती है, किसी पुरुष की दानी आंख फड़की तो बहुत अच्छा, बाई फड़की बहुत बुरा। और हम ब्रह्म देश में आए हैं, वहां बाई दाई से मतलब नहीं है, ऊपर की फड़की तो बहुत अच्छा, नीचे की फड़की तो बहुत बुरी, मान्यता की बातें हैं, इनको बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। मूल बात में जाना चाहिए कि आखिर हम भयभीत क्यों होते हैं। हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आई, हम यात्रा कर रहे हैं और काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम घबरा गए, अरे बाबा क
खाली बेली रास्ता काट दिया, लेकिन इतनी तेज गाड़ी से निकल रहे हैं, गाड़ी आगे निकल गई तो हम तो उस लीक को छोड़कर आगे निकल गए, अब क्या हो, तो भय और बढ़ेगा। इन सारी बातों को छोड़ करके जड़ों तक जाना चाहिए कि हम कैसे जड़ों से अपने भय के स्वभाव को दूर करें, फिर सारी बातें ठीक होंगी। जी गुरुजी। गुरुजी, दूसरा प्रश्न है अभय कुमार जी का। आप कहते हैं कि भविष्य की चिंता करने से भय उत्पन्न होता है, पर हम ये कैसे छोड़ सकते हैं? यदि भविष्य का आयोजन करके हम काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा भविष्य सुरक्षित कैसे होगा? क्या हम अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्या हम अपने बच्चों तक की सुरक्षा के बारे में ना सोचें? अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को भुलाते हैं तो हम धर्म से दूर चले गए। धर्म का एक अर्थ ये भी होता है कि कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य है। हम गृहस्थ हैं तो अपने परिवार का कैसे पालन करेंगे, उनको कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये सारी बात आवश्यक है, लेकिन उसके लिए चिंता नहीं, चिंतन हो। चिंता और चिंतन में जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ चिंता आई तो चिंता तो चिता की तरह जलाएगी हमें, वहाँ भय आएगा। और चिंतन तो मनुष्य का स्वभाव है, मनन करना, चिंतन करना, ये मनुष्य की क्षमता है। सोचता है इस काम को ऐसे करूं ऐसे करूं, बुद्धि से सोच करके तर्क के तराजू पर तोल करके निर्णय करता है, ठीक निर्णय होता है, अच्छी बात है। तो चिंतन करने में दोष नहीं, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में दोष नहीं, चिंता नहीं, चिता नहीं। गुरु जी, तीसरा प्रश्न है जो कि पूछ रही हैं मधुलिका सिंह पंजाब से। वो कहती हैं कि प्रार्थना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्या उससे हम भय से मुक्ति पा लेंगे? बेटी, प्रार्थना में शक्ति है कि नहीं है ये तो उसे मानने वाले जाने, लेकिन मैं ये जानता हूं कि श्रद्धा में शक्ति है। जिस श्रद्धा के साथ कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, भजन गाता है, कुछ करता है, वो श्रद्धा फल देती है। और बिना श्रद्धा के हजार प्रार्थना कर लो उसका कोई फल नहीं होता। फिर लेकिन बात ऊपरी ऊपरी रह गई, हमने बहुत श्रद्धा से कोई भजन गाया, कोई प्रार्थना की, अच्छा उससे हमारा कोई दुख दूर भी हो गया, पर फिर ऊपरी ऊपरी इलाज हुआ, भीतर हमारा स्वभाव वैसा का वैसा रहा। कोई प्रार्थना ऐसी हो कि जो जड़ों से हमारे स्वभाव को बदल दे तो बड़े काम की है, पर ऐसा तो होता नहीं। जो समस्या सामने आई उसका एक समाधान मिल गया, हम खुश हो गए, देखो प्रार्थना ने काम किया ना, हम ठीक हो गए, ऊपरी ऊपरी राज है बेटी। शुक्रिया गुरुजी। दर्शकों, इसी के साथ हमारा ये भाग समाप्त होता है, आगे बातचीत जारी रहेगी, देखते रहिए। गुरुजी, स्ट्रेस के अलावा मनुष्य के जीवन में काफी सारी मुश्किलें होती हैं, जैसे कि आपने बताया कि एक अच्छे पिता, अच्छी माता, अच्छी पुत्री, अच्छी पत्नी बनने के आगे हमेशा एक प्रश्न लगा रहता है। बल्कि संत जन तो यही कहते हैं कि मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अनमोल है। तो गुरुजी, आप हमें बताएं कि एक श्रेष्ठ मनुष्य जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य जीवन किस माने में श्रेष्ठ है? उसके भीतर एक क्षमता है, एक ऐसी ऊर्जा है, उसे वो जगा करके धर्म के सही स्वरूप को समझता है और उसे कैसे धारण किया जाए ये समझता है, हमारे भीतर विकार कैसे जागते हैं ये समझता है, अनुभव से, केवल प्रवचनों से नहीं, और फिर जो विकार जागे वो कैसे बढ़ते गए हमारे सिर पर सवार हो गए और हमने होश खो बैठा, तो उनको कैसे रोका जाए, और रोक करके ही नहीं उनको कैसे जड़ से निकाला जाए, ये काम धर्म करता है। वैसे तो पशु में और मनुष्यों में कई बातें एक जैसी हैं। अपने यहाँ एक प्रसिद्ध नीतिकार ने एक नीति का श्लोक दिया हमें, वो श्लोक कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनंचय सामान्यमेतत पशुभि नराणाम। पशुओं में और मनुष्यों में ये चार बातें समान रूप से विद्यमान है। पशु को भी आहार चाहिए, मनुष्य को भी आहार चाहिए, पशु को भी नींद चाहिए, मनुष्य को भी नींद चाहिए, पशु में भय जागता है, मनुष्य में भय जागता है, पशु भी मैथुन कर्म करता है, मनुष्य भी करता है, ये चारों बातें समान हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य में एक विशेषता है और वो विशेषता उसको पशु से ऊंचा उठाती है।
और वो विशेषता ये है, धर्मे हितेषां मधिको विशेषो धर्मे न हीन पशु भी समान। धर्म ही एक ऐसी विशेषता है उसमें तो पशु में नहीं है, वो धर्म को जिन गहराइयों से अनुभूतियों के स्तर पर जान सकता है और उसका उपयोग करके अपने को दुखों के बाहर निकाल सकता है, ये बात पशु नहीं कर पाते, मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है, हम उसका उपयोग ना करें। कोई मनुष्य उसके पास इतनी बड़ी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जगाने का काम ही न करे, उसका लाभ ही न उठाए, तो धर्म का जो लाभ उठाना चाहिए उससे वंचित रह गया, तो फिर पशु में और उसमें क्या भेद रहा, दोनों एक से हो गए। तो धर्म सिखाता है कि जानो मुझे, सच्चाई को जानो और जानो अनुभूति से अपने भीतर जानो, ये भेद है। इस मारे मनुष्य हमेशा अनमोल है, उसका जीवन हमेशा अनमोल है। गुरुजी आपने तो बड़ी सुंदर और प्रेरणादायी बात कही, हम आपके बहुत आभारी हैं। लेकिन इस धर्म शब्द के विषय में हम और भी आपसे जानना चाहेंगे गहराइयों में, लेकिन अगले एपिसोड में। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, अगर आपके मन में भी कई प्रश्न हो तो हमें जरूर लिख भेजें। देखना ना भूलिए अगले हफ्ते इसी समय ऊर्जा।